हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट टॉपिक पे एन्वायरमेंट टॉपिक हमने कम्पलीटली कवर कर लिया है आज उसके रिलेटेड कुछ एम कवर करेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज नेच बायोम हैबिटैट और हैबिट तो नेचुरल प्लेस एक ऑर्गेनिज्म की उसको क्या बोलेंगे हम हैबिटेट ठीक है उसके बाद है प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज डायरेक्ट सनलाइट पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हेलियोफाइट्स ठीक है उसके बाद है हमारे पास इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल इन एनी डायरेक्शनल और ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल सो द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल ठीक है ंदरा इको सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबोलॉजिकल ऑल ऑफ द ऑप्शन मरीन नो ट्री रीजन देखो जिसने इकोसिस्टम टॉपिक नहीं पढ़ा है वो चैनल में जाके जरूर से विजिट कर लेना हमारे सारे लेक्चर्स हैंड मटेरियल से कवर हैं अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर देना तुंदरा इकोसिस्टम हमने क्या पढ़ा था नो ट्री रीजन ये कौन सा एरिया होता है कोल्ड रीजन होता है लाइक हमारे पास अंटार्कटिक रीजन है है ना आर्किटिक रीजन है जहाँ पे बिल्कुल कोल्डनेस होती है कोई भी ट्रीज नहीं होते ठीक है ग्लेशियर्स होते हैं आइस होती है वहाँ पे उसके बाद हमारे पास यूट्रोफिकेशन इन लेक इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बैक्टीरिया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्रोमियम एंड मर्क्री सो इसका करेक्ट ऑप्शन है किसकी वजह से होता है यूट्रोफिकेशन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का कंटेंट एक लेक में ज़्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन ठीक है उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन एंड ईको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ओनली इंसेक्ट्स ओनली फिजिकल फैक्टर्स इको सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था इको सिस्टम क्या होता है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर कौन से हो गए नॉन लिविंग ठीक है जी उसके बाद है टर्म इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अंस्ट हैकल ईपी ओडम ए जी टांसले रामदेव मिश्रा जो टर्म है इकोलॉजी की वो किसने दी थी अर्स्ट हैकल ने एजी टांसले ने क्या दिया था इको सिस्टम है ना इको सिस्टम का कंसेप्ट दिया था उसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स not only physical space occupied by an organism but also its functional role in a community of a organism ecotone ecological niche habitat ya home range देखो एक ऑर्गेनिज्म अगर फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे उसको एक हैबिटेट बोलेंगे है ना एक फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है उसको हैबिटेट ही बोलेंगे बट यहां क्या पूछा है फिजिकल स्पेस के साथ साथ वो फंक्शनल रोल भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे इकोलॉजिकल है द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज फंजाई बेंथोस जू प्लैंगटॉन फाइटो प्लैंगटॉन ट्रॉफिक लेवल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एक लेक में क्या होता है देखो फाइटो प्लैंगटॉन तो क्या हो गए फर्स्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं है ना उसके बाद जू प्लैंगटॉन सेकेंड ठीक है जू प्लैंगटॉन क्या करते हैं सेकेंड प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं उसके बाद है हमारे पास द एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इको सिस्टम इको सिस्टम ऑफ अ पॉन्ड इको सिस्टम ऑफ अ फॉरेस्ट ग्रास लैंड या नन ऑफ द वर्ब देखो ग्रासलैंड जो है ये भी नेचुरल होता है फॉरेस्ट भी नेचुरल होते हैं बट पॉन्ड को आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है तो ये क्या हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आर्टिफिशियल इको सिस्टम कौन सा हो गया इको सिस्टम ऑफ अ पॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इको सिस्टम रिजर्वायर ऑफ अ डैम पैडी फील्ड फॉरेस्ट और गार्डन नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब नॉट पूछा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का है ना नॉट रिजर्वायर जो है रिजर्वायर ऑफ अ डैम डैम क्या है एक आर्टिफिशियल है पैडी फील्ड भी आर्टिफिशियल है फॉरेस्ट क्या है नेचुरल है तो हमें नेचुरल ही ढूंढने हैं है ना तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉरेस्ट एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर्स द रेट एट विच फूड इज एसिमिलेटेड इज कॉल्ड एज स्कैंड प्रोडक्टिविटी क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नन ऑफ द दर्ल्ड रेट एट विच फूड इज एसिमुलेटेड फूड एसिमुलेट हो रहा है तो वो कौन सा होगा हमारा देखो नेट और ग्रॉस जो है ये प्राइमरी में आते हैं फूड एसिमुलेट तो नहीं करती है तो फूड प्रोड्यूस करते हैं ना खुद बे खुद बनाते हैं फूड को एसिमुलेट करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ जाते हैं ठीक है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द टर्म डेट्रीवोर इंक्लूड्स डीकम्पोजर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स या ऑडोट्रॉप डेट्री हमने अलग से एक एग्जाम्पल लेके पढ़ा था डेटरीबोर्स फूड चेन है ना तो डेट्रीवर्स कौन से होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या प्राइमरी होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं कौन से होते हैं डेट्रीबोर कौन से होते हैं डीकम्पोजर्स है? हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी एग्जाम्पल में सबसे पहले बैक्टीरिया अनफनजाई एक्ट करते हैं है ना तो वो कौन से होते हैं डेट्रीबोर डीकम्पोजर्स उसके बाद है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस देखो प्रोडक्टिविटी चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया दैट विच इज कंज्यूम्ड बाय हरबी बोर्स जो हरबी बोर्स को जो हरबी बोर्स कंज्यूम करते हैं दैट विच इज कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर इन मेटाबॉलिज्म सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या लॉस ड्यू टू मोर्टेलिटी देखो हमने पढ़ा था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे करते थे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस जो भी जो भी एनर्जी वो लॉस कर रहे हैं है ना जो कि एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं खुद की यूज़ के लिए लाइक like रेस्परेशन हो गया रिप्रोडक्शन हो गया तो खुद के लिए जो कंज्यूम करेंगे कंज्यूम बाय प्रोड्यूसर्स इन अ मेटाबॉलिज्म उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी विच वन ऑफ द following pyramid कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन a इको सिस्टम मैंने आपको बताया था एनर्जी जो है ऑलवेज क्या होती है लॉस होती है तो एनर्जी का पैरामिड भी ऑलवेज इरेक्ट ही आएगा ठीक है पैरामिड ऑफ एनर्जी एनर्जी हमेशा लॉस होती है कम कम ज़्यादा कम कम है ना इस तरीके से होता है तो पैरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट ही होता है ठीक है बायोमास की बात करें तो उसमें भी दोनों बनते हैं नंबर्स पर भी दोनों बनते हैं है ना उसके बाद इन एन इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए टी पी है सन है ग्रीन प्लांट्स हैं शुगर है सोर्स ऑफ एनर्जी ध्यान से पढ़िएगा सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है ग्रीन प्लांट्स ठीक है ए टी पी नहीं होगा सन नहीं होगा शुगर भी नहीं होगा तो क्या होगा ग्रीन प्लांट्स क्या है ग्रीन प्लांट्स इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी इको सिस्टम के अंदर पूछा है ठीक है उसके बाद है हु इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ़ बायोटिक कॉम्यूनिटी बायोटिक कॉम्युनिटी के अंडर प्राइमरी कंज्यूमर कौन है हरबी बोरस है ओमनीस कैवेंजर्स हैं कार्नी बोरस हैं देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं जो एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर है ना पहला क्या आता है प्रोड्यूसर्स फिर प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर इस तरीके से होता है प्रोड्यूसर में क्या आते हैं प्लान्ट और जो एक्ट करेंगे प्लांट्स के ऊपर वो क्या होते हैं हार्बी वोरस ग्रेजिंग एनिमल आ गया ओमनीबोरस तो होगा नहीं ओमनी वोरस मतलब दोनों खाते हैं वो सेकेंडरी में आ गए स्केवेंजर भी नहीं हो गए कार्निबोरस भी नहीं होगे तो इसमें पूछा ही नहीं है कार्निवोरस कौन से प्राइमरी हैं सेकेंडरी हैं है ना तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा हार्बीवोरस ग्रेजिंग एनिमल उसके बाद है इन विच वन ऑफ द फॉलोविंग करीपल आर इंक्लूडेड कर्ड ईटिंग पीपल कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्स्ट होते हैं या याटर्शरी होते हैं या सेकेंड होते हैं कौन से होते हैं करड ई सॉरी पीपल जो लोग कर्ड खाते हैं उनको क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर्स बोलेंगे ना है ना नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ट्रीटर्स आई थिंक होगा सॉरी फॉर दिस मिस्टेक डेटरेटस फूड चेन स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से होगी एलगे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वायरस तो कहाँ से होगा बैक्टीरिया एक्ट करेगा सबसे पहले है ना डेक्टे वोडस कहाँ से स्टार्ट होते हैं बैक्टीरिया से उसके बाद है हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है एट ईच ट्रॉपिक लेवल यहाँ आएगा ईच ठीक है इसको ध्यान रखना ईच ट्रॉपिक लेवल इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कौन सी एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है हीट के हीट होती है या केमिकल होती है लाइट होती है ऑफ द वर्ब तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट होती है, है ना इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सक्सेशन प्रोसेस डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ बियर एरिया बियर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ एक बेयर एरिया है है ना वहां पे डेवलपमेंट होना लाइफ का उसको उस, उसको क्या बोलेंगे न्यूडेशन है ना उसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ इको सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन फ्लो ऑफ एनर्जी डिकम्पोजर्स प्रोडक्टिविटी देखो प्रोडक्टिविटी भी होती है डिकम्पोजर्स भी होते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी भी होती है एक ईको एक सिस्टम में क्या नहीं होता एक स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती ठीक है इसका ऑप्शन रहेगा स्ट्रेटिफिकेशन इन एन इको सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज द यूनी डायरेक्शनल सल्फर ऑर्गेनिक न्यूट्री एंट कार्बन फ्री एनर्जी यूनी डायरेक्शनल ऑलवेज एनर्जी होगी इन फूड वेब हिनास एंड वल्चर्स आर ये क्या होते हैं वल्चर्स तो आपको पता होगा वल्चर्स क्या करते हैं स्केवेंजर्स होते हैं ना उसके बाद है हमारे पास विच अमंगोविंग प्रपोज दोसटम इको सिस्टम किसने दी थी ए जी टांसली ग्रीनल लिंडन मैन या ट्रूसन तो इकोसिस्टम सिस्टम हमें दिया था डांस लेने जी डांस लेने सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं आई होप कि यहाँ तक सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा अपने अपने स्कोर प्लीज कमेंट डाउन जरूर करें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले लेक्चर जरूर से अटेंड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आई होप कि आपने इस लेक्चर को इन्जॉय किया होगा अगर कोई भी डाउट कैरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर